Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our legal political show. I'll be breaks about a year discussion, Jaridi. We're having a very heated debate with my colleague Fahim Saab, and this is the beauty about it, because it's a hamare pata chalta hai that we are fair, we're giving a very kind of a unbiased kind of a debate. Aap bhi isme joining kare and that'd be good. Agar aapke paas koi immigration ke hawale se koi question hai, then please give us a call. कोशिश ये करेंगे आपको उस पर हम जेनेरिक एडवाइस दें. अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम के बाद हमारी डिटेल्स लेना चाहें, वो बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू दैट एडवाइस जेनेरिक. आई वांट टू वेलकम माय कॉलीग हु इज आल्सो जॉइंड अस, राशिद महमूद साहब. वेलकम टू द प्रोग्राम राशिद साहब. माशाल्लाह से आपका आना भी बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट है आपका. एंड ऑल्सो ये बताते चले, यू आर इमिग्रेशन लॉयर, सो हमारे व्यूज़ को पता चलेगा. वी गॉट राशिद साहब हु इज एन इमिग्रेशन लॉयर, ही इज प्रैक्टिसिंग. And mashallah se. So Rashid Saab, because of time, abhi Fahim Saab se hamari discussion jari thi. Let's just talk about ye democracy itself. Let's just talk about that. Aap is pe pick up kare. Maine bade gaur se inka jo point hai wo bas suna ke European log jo hai 1 million se zyada Europe mein abad hai aur 3 million log jo recently migrate ho ke England mein aaye. असल में उसकी वजह कुछ और है. हमारे यूरोपियन जो मोस्टली एशियन यूरोपियन, उनको 2007 के बाद यूरोप की नेशनलिटीज़ मिली है. जो भी उनको नेशनलिटीज़ मिली है, उन्होंने अपने ट्रीटी राइट यूज़ करने के लिए इंग्लैंड का रुख अख्तियार किया. तो इंग्लैंड में जो के मेजॉरिटी थी वो लूज हो रही थी माइनॉरिटी में, जिसकी वजह से टोरी को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने ये रेफरेंडम करवाया. तो मेजोरिटी की डेमोक्रेसी की एक तारीफ है, मेजोरिटी ऑलवेज रूल ऑन माइनॉरिटी, और हमारी माइनॉरिटी मेजोरिटी में तब्दील हो रही थी, जिसको टोरी को ये चीज़ पसंद नहीं थी. जो जितने भी पॉलिसी मेकर थे उनको ये पता लग चुका था कि ये माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ लेबर के लिए हो रही है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है. जितनी भी 2007 से लेके 2017 तक माइग्रेशन हुई है, उसमें से 80% यूरोपियन का वोट जो वो लेबर के लिए है, वो लेबर को ही सपोर्ट करते हैं, जिसकी ये मेन रीज़न थी. बाकी जो फंड्स हैं, फंड्स तो मेरे ख्याल में वाफर मकदार में मौजूद हैं, उनको फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दूसरा मसला था वैट का. तो जो 25 कंट्रीज़ हैं वो इंग्लैंड से, जो इंग्लैंड है वो यूरोप की सबसे बड़ी मंडी है, वो जो 25 कंट्री है यहाँ से आके अपनी परचेज करती है, तो उनके लिए जो वैट थी वो 20% फ्री थी. जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ नापसंद थी कि हम हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं, जब भी कोई चीज़ खरीदते तो वो 20% वैट देते. तो जो यूरोपियन लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं, वो उनकी जो वैट फ्री होती है, जिसकी मेन रीज़न थी. तो ब्रेग्जिट के बाद ये अगर बाहर भी निकल जाए ना, तो फिर इन्होंने री कॉन्ट्रैक्ट कर लेना यूरोपियन यूनियन से, ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह, ये फिर रीज्वाइन करेंगे. ये एक पॉलिसी है, उन्होंने एक दोबारा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है. जी अच्छा, चलें, आपने बड़ी अच्छी बात मेंशन करी थी. तो ये उसमें से निकल आई बिकॉज द मेजॉरिटी रूल्स द माइनॉरिटी. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, जब डेविड कैमरन ने ये बात लेके चला था, एट दैट टाइम डेविड कैमरन वॉज फॉर इन यूरोप, वो यूरोप के फेवर में था. David Cameron's position was for Europe. ये एक सियासी गेम थी जो कि आम लोगों को इसकी समझ नहीं आई. ठीक है, डेविड कैमरून ने लोगों को प्रवोक किया हॉस्पिटल के नाम पे, स्कूल्स के नाम पे, कि हॉस्पिटल में प्लेस नहीं है, स्कूल्स में प्लेस नहीं है. ये तो गवर्नमेंट का काम है कि कौम को उनके लिए हॉस्पिटल प्रोवाइड किए जाए, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए. उसने नए स्कूल और नए हॉस्पिटल बनाने के बजाय एक रेफरेंडम का आगाज़ कर दिया, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ. बिल्कुल सही. तो ये बात उन्होंने इस मतलब एक डर पैदा करा ना, खौफ पैदा, डर पैदा करना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना लोगों में. तो ये आपसे फिर ये बात करता हूँ, जिस तरह ये UK इंडिपेंडेंस पार्टी थी नाइजेल फराज, उसका मौकफ तो एक ही था, वन इंडिपेंडेंट, वन उनकी पोजिशन थी, वन मैनिफेस्टो, आर यूरोप, आई वांट टू बी आउट यूरोप, वो बस यही कहता था. सो इनका आप देखें, इन्होंने टेक्टिकल वोटिंग अभी करी है इस इलेक्शन में. फहीम साहब आप ये आपसे भी मैं अभी पूछूंगा, ये दे डन टेक्टिकल वोटिंग, बिकॉज आप देखें UK इंडिपेंडेंस पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं फील्ड करे, जहाँ उन्हें पता था कंजर्वेटिव पार्टी को जरूरत होगी, वो पीछे विड्रॉ करके पहली बार दे बी वाइप्ड आउट. ये मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये एक सियासी माफिया है जो आम बंदे को इसकी समझ नहीं आती. ये उस वक्त समझ आती है जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जा चुकी होती है. तो एट द मोमेंट यूरोपियन यूनियन को भी गौर करना चाहिए, वो लेबर को सपोर्ट करें, ताकि हम दोबारा
यूरोप में शामिल हो सके और जो यूरोप के साथ हमारी गलत फहमी है उसको दूर कर सके, क्योंकि हम यूरोप के बगैर कुछ भी नहीं है। सिंपल आंसर, वेरी गुड पॉइंट। फहीम साहब, इसमें अभी हम इमिग्रेशन पे चलते हैं। अभी आपने सुनाई अपने राशिद साहब से, तो ये एक स्केयर मॉन्गरिंग थी, डर पैदा करना, उनको ज़रूरत है लेबर पार्टी, लेबर जो है ना उसके थ्रू वापस जाने की ज़रूरत है। एंड व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं? ये प्रोसेस है, इवोल्यूशन प्रोसेस है, क्योंकि देखिए पूरे यूरोप के अंदर सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही एक ऐसा मुल्क है जिसकी नॉर्म्स, जिसका लीगल सिस्टम, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लोगों के सोचने का अंदाज, उनकी हिस्ट्री पूरे यूरोप से डिफरेंट है। ये एक इवॉल्व हो रहा है एक पॉलिटिकल सिस्टम, और ये बहुत बड़ा एक स्टेप था रीजनल कॉपरेशन का। देखिए ये सारी जिंदगी ये जंगे के लड़ते रह गए, अब एक यूरोपियन यूनियन बन गए हैं, इनका कंपैटिबल इशू इनहेरेंट है, तो इवॉल्व हो रहा है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। और उसके अलावा रीजनल कॉपरेशन की एक मिसाल बनी थी जो टूटने जा रही है, फिर इससे और डिस्कशंस होंगी, और अपने अपने नेशंस को खुद लोगों ने, लीडर्स ने प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें यह हुआ था कि दुनिया के बेस्ट तरीन दिमाग बैठ गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये मेरा भी ख्याल कि एक दफ़ा अगर यूके से निकल आती है यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से, तो इनको दोबारा वहाँ घुसने दिया जाएगा या बैठने दिया जाएगा, तो क्योंकि यूके की पॉलिसी ही और है, पूरे यूरोप से हट के इनकी पॉलिसी, उनके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, उनके फाउंडिंग फादर्स डिफरेंट हैं, उनका लॉ डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है, उनके फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है, इनकी इंटरनल नॉर्म्स कन्वेंशन डिफरेंट हैं, इनकी एक कानून की किताब दूसरे से डिफरेंट है। तो आपका कहने का मतलब है दिस इज नॉट गोना हैपन, ये इवॉल्व नहीं जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे, दोबारा हमें यूरोपियन यूनियन नहीं आने देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा उनके लिए धचका है खुद, और ना यूरोपियन यूनियन को। फिर ये ओरिजिनली जो पहले 4-7 नेशंस थी जिन्होंने यूरोपियन यूनियन खड़ी की थी, शायद उसमें ये ग्रुप बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, अब एक बिल्कुल ही गरीब मुल्क है, उसका बर्डन आप, तो मतलब ये अभी इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, डिबेट्स होंगी, पॉलिसीज होंगी, अभी इन्होंने आर्टिकल 50 जो ट्रिगर हुआ है, अब और नेशंस करेंगे शायद, और उसके अलावा तो यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन में रहने से ये था कि एक बैलेंस ऑफ पावर था एक तरीके से, और अब जो है वो भी निकल जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं इसको ये कहूँगा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इवॉल्व हो रहा है, अभी देखते हैं ऊँट किस करवट जा के बैठता है। इनका निकलना भी वहाँ से आसान नहीं है नंबर वन, और इन अगर निकल जाते हैं सम वन वे अनदर, तो इनका वापस जाना तो इसको तो भूल ही जाए ना। ओके, तो फिर रीजनल कोऑपरेशन छोटे छोटे हो जाएंगे, पहले ये 27 नेशंस का, फिर 3 नेशंस का शायद हो जाए, 5 का हो जाए, तो आपने अभी सुनी फहीम साहब की बात, वो कह रहे हैं जाना बड़ा मुश्किल लगता है, इट्स नॉट हैपन, आप इसे समराइज में क्या कहते हैं? यूरोप भी इंग्लैंड को नहीं छोड़ सकता, उसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोप की सबसे बड़ी मंडी इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड इंग्लिश स्पीकिंग है, तो जो वर्ल्ड वाइड से जितने भी ताजर आते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यूरोप इंग्लैंड को नहीं छोड़ सकता। ये एक सियासी बातें हैं जो वक्त के साथ तय होंगी, आपको भी पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू आपका। चले मैं आपको ये बताएं कि ये डिस्कशन में अब मैं चलता हूँ जरा इमिग्रेशन पे, और ये जो इश्यू है, हम सब सॉलिसिटर्स लॉयर्स बैठे हुए, जब ये यूनियन से निकलेंगे फहीम साहब, तो ये कस्टम यूनियन, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इज द एंड ऑफ इट, उसके बाद तो ये खत्म। तो आप मुझे बताएं हाउ द गोना ये इश्यू, इसका जो इम्पैक्ट होगा, इज गोना बी मेजर इम्पैक्ट। कॉल आ रही है, शामिल करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू आवर पॉलिटिकल लीगल शो, कौन कहाँ से? हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई, फिर आ रही है। वेलकम टू आवर लीगल पॉलिटिकल शो, हेलो, लगता है कॉल में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। एंड जी हेलो, वेलकम टू अली, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त डिबेट जारी है जी, चूंकि इमिग्रेशन लॉयर भी बैठे हैं, तो एक इमिग्रेशन रिलेटेड सवाल है कि जो लोग यहाँ पे इसकी जो ब्रेक्सिट होने जा रहा है, इसकी अभी तक कट डेट जो है वो अनाउंस हुई है कि जो लोग उससे पहले तक आ चुके हैं, अच्छा आके उन्होंने जो अपने रेजिडेंट कार्ड थे वो बनवाए या नहीं बनवाए, या एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ, वो अगर रेजिडेंट कार्ड नहीं है तो क्या वो कोई और प्रूफ मानेंगे लाइक टेनेंसी एग्रीमेंट या पे स्लिप्स या ही इज रजिस्टर्ड इन काउंसिल एंड पेइंग काउंसिल टैक्स एंड
एक तो उसका डेट बता दीजिए कि अनाउंस हुई या नहीं हुई या होगी तो कौन सी डेट से, डे ऑफ रेफरेंडम हो जाएंगे या जो ब्रेक्सिट डेट साइन होगी या जो हो चुकी है उस पर जाएंगे? तो एक ये आंसर कीजिएगा, एक ये कि उसके बाद मतलब जो कानून आ रहा है उसमें क्या लाया अमल तैयार किया गया वो लोग जो यूरोपियन जो ईए नेशनल यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। राज साहब आपसे बिगिन करता हूँ, द डेट जो उन्होंने अभी क्वेश्चन करा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हजारों मिलियंस पीपल वॉच कर रहे होंगे, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस वन। ओके थैंक यू। एक्चुअली अभी जितने भी यूरोपियन लोग यहाँ पे अपने ट्रीटी राइट यूज़ कर रहे हैं उनके पास दो किस्म के स्टेटस हैं, जो यूरोपियन नेशनल है उनके पास रेजिडेंस डॉक्यूमेंटेशन है और जो मेंबर ऑफ यूरोपियन है उनके पास रेजिडेंस कार्ड है। अभी तक ये जो लॉ है रेगुलेशन 6 अभी तक तो चल रहा है, जब ये लॉ सस्पेंड होगा तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या प्राइम मिनिस्टर के पास एक पावर होती है, उसे डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए अपनी पॉलिसी को यूज़ करते हुए इनको एक DLR अनाउंस करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर एक नई पॉलिसी बनाएगा कि उनके वीज़े एक्सटेंड होंगे या उनको परमानेंट दी जाए। रिसेंटली थ्रीसा मे ने वो एक अनाउंसमेंट की है कि मार्च तक जो लोग 5 साल पूरे कर चुके हैं उनको देंगे, उनको वो यहाँ की DLR या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड उनको दिया जाएगा। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, आपके पास या तो रेजिडेंस डॉक्यूमेंटेशन हो या रेजिडेंस कार्ड हो या उसके बराबर आपके पास 5 साल के प्रूफ ऑफ एड्रेस होने चाहिए, जिसमें टेनेंसी एग्रीमेंट, आपकी वर्किंग हिस्ट्री और जो employment भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो भी है वो होगी तो वो भी इज इक्वल टू रेजिडेंस कार्ड और रेजिडेंस डॉक्यूमेंटेशन। ओके देन वेरी गुड। फहीम साहब आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं? आई थिंक आपने बड़ा डिटेल में बताया, वेरी वेल। DLR जो आपने बताया उसे बताया डिस्क्रेशनरी रिलीफ टू रिमेन, क्योंकि ये लॉ सस्पेंड होने के बाद फिर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। मैं व्यूज़ को बताना चाहता था DLR डिस्क्रेशनरी रिलीफ थी फॉर रिमेन। फहीम साहब आप इसमें एड ऑन करना चाहें? जी शुक्रिया। नहीं राशिद भाई ने अच्छी बात की है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। और ये सब डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसीज़ यूरोपियन यूनियन के हवाले से वो सिटीज़न जो यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, करते आ रहे हैं या करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि यूनियन का और गवर्नमेंट का एग्रीमेंट क्या होता है आपस में। इसी चीज़ को तो निगोसिएशन होंगी, जिसका पार्ट ऑफ निगोसिएशन ये होगा कि इनको जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं ये एक्सरसाइज ट्रीटी राइट्स कर रहे हैं उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। ये उस निगोसिएशन पे जो यूनियन की और गवर्नमेंट की यूनाइटेड किंगडम की होगी ये उस पे डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। नंबर एक जी अच्छा ठीक है। दूसरा इसकी कोई सेट डेट नहीं है, अभी तो इसकी भी डेट नहीं है सेट के डेडला जो है ये डायलॉग्स कब खत्म होंगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब आर्टिकल 50 ट्रिगर हो जाए तो 2 साल तक वो ट्रिगर हो गया। हाँ जी 2 साल तक निगोसिएशन होती है, लेकिन इसके दरमियान में ये हो गया कि थ्रीसा मे ने स्टेप डाउन कर दिया, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, तो अब ये 2 साल तक निगोसिएशन फाइनल करने का इनका है कि ये फाइनल कर लें कि ट्रीटी यूनियन और यूनाइटेड किंगडम अपने रिलेशनशिप को गवर्न्स कैसे करेंगे और उनके सिटीजन को जो इधर उधर हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये उस निगोसिएशन में होगा। और इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, अभी तो ये नहीं पता कि निगोसिएशन कब फाइनल हो रही है। और जहाँ तक है अगर किसी यूरोपियन सिटीजन जो यूनाइटेड किंगडम में आके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, दे विल हैव एक्सट्रीम डिफिकल्टी इफ़ दे डू नॉट हैव अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग देयर रेजिडेंस और स्टेटस, दे विल हैव डिफिकल्टी, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द निगोसिएशन, जो निगोसिएशन यूनियन की और गवर्नमेंट की होगी कि वो कैसे निगोशिएट करते हैं, उसके बाद इसका डिटर्मिनेशन होगा। यस ये प्रूफ है आपका, प्रूफ ऑफ लिविंग है इन द यूनाइटेड किंगडम और प्रूफ ऑफ एक्सरसाइजिंग द ट्रीटी राइट्स जो हैं ये रेलिवेंट होंगे, आप इनको संभाल के रखें लोग और कोशिश ये करें जब तक ये निगोसिएशन चल रही हैं वो अपने सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर लें, डॉक्यूमेंट होम ऑफिस से मंगवा लें, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप सिस्टम में आ जाएंगे, आपने एप्लीकेशन डाल ली होंगी होम ऑफिस के रिकॉर्ड में, डॉक्यूमेंट इशू हो सकते हैं आपको सर्टिफाइंग योर स्टेटस एट द मोमेंट नाउ, जब तक ये निगोशिएशन कंप्लीट हो रही है। फिर एक दफ़ा जब लॉ बन गया, निगोशिएशन कंप्लीट हो गई, फिर वही होगा जो एग्रीमेंट हुआ होगा कौन यूनियन का और गवर्नमेंट का, उससे हटके फिर कोई बात नहीं होगी। तो अभी है हमारे पास टाइम, तो जितना लोग अपना डॉक्यूमेंट इशू करवा सकते हैं सर्टिफाइंग देयर स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन यूनियन राइट्स, तो वो उनको करने चाहिए। बेसिकली वो अपने ट्रीटी राइट्स को एक्सरसाइज करने की और फिर अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करने से पहले ज्यादा जल्दी से जल्दी अगर वो रहना चाहते हैं। अभी आपने ये सुना था थ्रीज़ मे ने जो अभी अनाउंस करा था, शी सेड
जो यूके में यूरोपियंस रह रहे हैं उनको वो कह रही थी मैं दूंगी जिनके 5 years हो गए, जो भी राशि साहब वैसे ही दे रही हूँ वो तो थ्रीसा में मार्च की जो ना गया था थ्रीसा में कुछ भी कहे लॉ जो यूरोपियन यूनियन का लॉ है वो अभी प्रोमल्गेटेड है, होम ऑफिस बाउंड है उसको देने का, वो तो वैसे ही मिल रहे हैं उनको चाहे वो कुछ भी कहे क्योंकि लॉ तो अभी कोर्ट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अब ये कह देना उल्टा और ज्यादा खतरनाक है, जो एक इंडिकेशन है एक पब्लिक रिकॉर्ड की बात है कि मैंने खुद अनाउंस कर दिया था, एक नोटिफिकेशन दे दी थी, एक स्पीच दे दी थी, तो उस वक्त तक लोगों ने कितना जो जिन्होंने अप्लाई किया जिन्होंने उसको लिया सीरियस लिया और एफर्ट्स किए हैं सिंसियर तो हम उनको कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे तो ये कुछ भी चेंज कर ठीक है। फहीम साहब राशिद साहब आपको भी क्वेश्चन होगा, अभी इससे पहले जो थ्रीसा मे का स्टैंड था यही था तो वो ये कह रही थी मैं लाजमी नहीं मैं दूंगी फॉर द पीपल इन यूरोप या मैं उसे परमानेंट रेजिडेंस की दूंगी, अदर स्टेज उनका एक पोजीशन ये भी थी इंटरव्यू कर रही वो उसने पहले स्टैंड लिया था उसने चेंज कर दिया उसे नाउ इट्स चेंज्ड टोटली डिफरेंट हो चुका है। नाउ obviously people have to exercise treaty rights jo free movement in renegade then what's going to happen after that this is going to be curtailed Rashid saab ab dobara puchhe kya main aapse keh raha tha jo free movement jo ye nikal jab ho jayega article 50 to trigger ho chuka hai so there's going to be curtailment of the free movement jisse kehte director for free movement exactly jo suspend ho jayega suspend nahi mere khayal se free movement to nahi suspend ho sakti treaty right regulation 2006 ke tehte hai free movement se murad ye hai ki jab custom unions mein nahi rahenge the free movement jo hogi union mein nahi rahega the free movement and unka basic maqsad yahi tha to stop the people flowing जब पब्लिक ही जब उनको रोकेंगे यहाँ आने से तो जब फ्री में इस वक्त उनके पास ये है ना द यू आर इन चांस एज अ यूरोपियन सिटीजन यू हैव द राइट टू फ्री मूवमेंट जब यही नहीं रहने का देन दैट्स द एंड ऑफ द टूरिज्म यही तो डिस्कस होने जा रहा है ना यूनियन का और गवर्नमेंट का यही तो एग्रीमेंट तो यही तो उन्होंने कहा हार्ड ब्रेक्सिट जिसे कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो प्रॉबेबली जिसे वो कह रहे हैं हम इससे निकलना चाहते हैं वी वांट टू कम आउट ऑल ऑफ इट यस दे डू लेकिन इट्स नॉट क्लियर सर्टेन नहीं है पर ये कंजर्वेटिव पार्टी का ये इस वक्त पोजीशन है द स्टैंड्स ऑन दिस एंड दिस इज व्हाट व्हिच विल बी नॉट वेरी गुड इन अ वे बिकॉज़ यहां की जो पब्लिक है जिस तरह आपने शुरू में मेंशन करा था दे आर ऑलरेडी लिविंग इन यूरोप 1 million है जो भी है मगर वो ऑलरेडी एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स हो जाएगा क्लॉस हो जाएगा और इसमें कोर्ट इंटरवीन करेंगे क्योंकि कोर्ट्स की अपनी पावर है ऑल्दो पार्लियामेंट का डिसीजन है पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन स्टिल यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल ट्रीटी की रिकग्निशन उनकी इम्प्लीकेशंस और हुआ करती हैं तो जाहिर है फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और इस पे प्रेशराइज करेंगे इंटरनेशनल समय पे जिस तरह ईसीजे और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बी द एंड ऑफ इट एग्जैक्टली एंड ऑफ इट ये तो लेकिन वो डील पे डिपेंड करता है कि ये डील होती है मगर डील ही नहीं हो रही है उनका डील आउट ही है उनका डील है हमारे सुप्रीम कोर्ट लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स विल बी द सुप्रीम श्योर लेकिन रिजवी साहब ये मैं आपको बता दूं कि ये आयरन लेडी है थ्रीसा में ये हटने की नहीं है इसे हटाया जाएगा नहीं हटने की अपने मौकफ से नहीं है अनलेस इसको हटा दिया ये इसकी पार्टी हटाएगी आपको भी पता है इस वक्त उसके अगेंस्ट बड़े इश्यूज बने हुए अभी आपने देखा डेविड कॉमरन कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था उसको ऑल ऑफ द सडन कैसे और ये नॉर्म उसको हटाया नॉर्म्स है नॉर्म्स को फॉलो किया कन्वेंशन डेविड कैमरन का तो ये हुआ था उसने तो एक रेफरेंडम लेके चला था व्यूज को बताते चले जिस पे उसको यकीन था वो जीतेगा वो हार गया तो रिजाइन किया ना नॉर्म्स यूरोपियन यूनियन के बाद फिर जिनेवा कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन है फिर अगर अगर फ्री मूवमेंट तो डिफरेंट रूट डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड आप तो वो भूल गए टैरिफ्स एंड जिस पे फिटिंग करते चले हम ये बात बड़ी एक्साइटिंग एंड वेरी डिबेट बड़ी अच्छी जा रही है लेट्स मूव इनटू द इमिग्रेशन साइड जिस पे हमारे सबके एक्सपर्टीज है वी डू वेरी वेल ऑन दैट आपसे मैं बात करूंगा जो इस वक्त जो लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टर वीजा टियर 1 जो होता है एक बिजनेस वीजा और एक होगा एंटरप्रेन्योर वाला तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट तो आप एंटरप्रेन्योर की बताएं थोड़ा सा इन ब्रीफ अभी टाइम शॉर्ट है इस वजह से मैं जरा सा मुतसर रह रहा हूँ जिस ब्रीफ राशि साहब अच्छा टायर 1 कैटेगरी है 200,000 पाउंड जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अलावा आपको एक इंग्लिश टेस्ट करना पड़ता है ठीक है और इसके अलावा मेंटेनेंस की आपके पास अब पैसे पूरे होने चाहिए अब बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए तो टायर 1 सक्सेसफुल हो सकता है बट आपका केस वर्कर को ना उसको किस तरह तैयार कर रहा है इस चीज़ को पॉइंट बेस्ड सिस्टम है पॉइंट पूरे करें और वीज़ा लें फहीम साहब ये बहुत अच्छी बात है ना टच अप करी थी अभी टाइम नहीं ज़्यादा इसमें जाने के टियर 1 इन्वेस्टर वीज़ा सोल रिप्रेजेंटेटिव ये हम आइंदे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे
ये पॉइंट बाई सिस्टम हमें तो पता है पॉइंट बाई सिस्टम क्या जिस पे वो दे दे 90 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स जो होता है लेट्स जस्ट ब्रीफली आप जल्दी बता चलें बिकॉज रनिंग आउट टाइम पॉइंट बेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इमिग्रेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया है जो ऑलमोस्ट सारे कॉमन लॉ कंट्रीज में प्रोमलगेटेड है ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में उसमें यह है कि वो कहते हैं जी इतने पॉइंट्स हैं ये क्राइटेरिया है इसको अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं और अगर आपको वो पॉइंट स्कोरिंग पूरी हो गई है तो आपको वीज़ा मिल जाना चाहिए लेकिन यूके की पॉलिसी पॉइंट बेस्ड सिस्टम से ये बड़ा हिपोक्रेटली इसे यूज़ कर रहे हैं और इसकी वजह से क्योंकि इसने पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी ले आए हैं फिर उसके बाद जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल भी ले आए हैं बीच में और उसके अलावा दूसरी इमिग्रेशन पॉलिसीज जिससे इमिग्रेंट को डिस्करेज किया जाए वो भी लेके आ गए हैं और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जैसे फेयरनेस है और उसके अलावा एविडेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इन्होंने हटा के रख दिया उनको कटेल कर दिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम से तो इन्होंने ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया हालांकि पॉइंट बेस्ड सिस्टम चीज़ों को आसान बनाने के लिए होता है ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी ले आए हैं और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को इंग्लिश लैंग्वेज एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी तो मतलब अब राइट ऑफ अपील नहीं है पॉइंट बेस्ड सिस्टम में राइट ऑफ अपील फंड बेसिक राइट है मॉडर्न डेमोक्रेसीज का राइट टू अपील मतलब वो एग्जीक्यूटिव भी डिसीजन करेगा मतलब एडमिन रिव्यू होगा तो मतलब जुडिशियल सिस्टम कहां गया तो ये बड़ा खेल पॉइंट बेस्ड सिस्टम हमारा कहने का मकसद है जो इस वक्त सिस्टम जो हो गया इट इज नॉट वेरी गुड ये मतलब ये राइट्स को कटेल कर दी राइट साहब आप एक्चुअली ये सारी टोरी की पॉलिसी है माइग्रेशन को कंट्रोल करना माइग्रेशन को हाथ से तो नहीं रोक सकते ना उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं पॉलिसी टफ से टफ पॉलिसीज जिस तरह अब इन्होंने एग्जांपल दी अभी वो पॉइंट बेस सिस्टम के साथ उन्होंने क्रेडिबिलिटी चेक करना शुरू कर दिया है क्या बिजनेस प्लान ठीक है क्या ये जेन्युइन बिजनेसमैन है या क्या फंड जेन्युइन है कहाँ से आए क्या इसने बारोते नहीं किए ये काफ़ी चीज़ें उसको देख के फिर वही पॉइंट्स को ग्रांट करते हैं अदरवाइज वो नहीं ग्रांट करते ये वेरी गुड पॉइंट लास्टली आपको भी बताया 10 ईयर का क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो भी चेक करा जाता है जी जी ये भी इसमें भी टच कर दें इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्रेडिबिलिटी गुड कैरेक्टर बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द 10 ईयर रिकॉर्ड जल्दी से आप विद अ फ्यू सेकंड बता दें 10 ईयर रिकॉर्ड मतलब रिक्वायरमेंट बना ली है सेटलमेंट के लिए या वैसे एंट्री क्लियरेंस के लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए अगर आप अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से या कंट्री ऑफ एप्लीकेशन से किसी भी और मुल्क में 1 साल 12 महीने से ज़्यादा रहे हैं तो अब आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है अपना नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट ये भी आपको इस्टेब्लिश दो तो ये तो अच्छी चीज़ है लेकिन नेशनैलिटी और सेटलमेंट इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया ना ये तो बात है बिल्कुल आप जाएंगे अगर आप यहाँ से गए फ्रांस में रहे पाकिस्तान से वो आपको देना है उसके बाद आप जर्मनी में गए वो देना है सो जितनी जितनी कंट्रीज गए यू हैव टू प्रोड्यूस यस यस दूसरी वजह यूरोप की छोड़ने की यही है कि वो माइग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे थे नॉन यूरोपियन को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया डिफरेंट कानून अप्लाई करके लेकिन रेगुलेशन 6 के तहत वो यूरोपियन यूनियन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे जिसमें मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में एंट्री ले रहे थे जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि माइग्रेशन जो है ना हमसे कंट्रोल नहीं हो रही दूसरी वजह उनकी ये थी कि उन्होंने रेफरेंडम करवाया लोगों को प्रवोक किया और रेफरेंडम कामयाब करवा दिया इसकी एक मिसाल बहुत खूबसूरत पॉइंट इन्होंने रेज किया इसकी एक मिसाल ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन का बंदा शादी करता है आउट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम उसको कोई 18,600 की जरूरत नहीं होती ना फीस की जरूरत होती है ना इंग्लिश टेस्ट की जरूरत होती है ये बात आपने बहुत अच्छा एंड करा इस पे लेकिन अगर ब्रिटिश शादी करता है तो वो पहले 18,600 ले गया या वो ये बताया कि वो माजूर अगर कोई अवर स्टेयर आदमी इंग्लैंड में शादी करता है तो ब्रिटिश रूल ये करता है कि उसको एंट्री क्लियरेंस उसके होम कंट्री से लेनी है अगर वो यूरोपियन से शादी करता है तो उसको यहां पे रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन दिस इज अनफेयरनेस ऑलराइट थैंक यू much no apne colleagues I want to thank everybody especially jo mere guests aaye the fame sahab aur apne rashid sahab jinhone bada deeply apna passionately discussion mein hamare sath discuss karai aapko ye pata hoga is waqt jo humne topic abhi end karai jahan pe aapko pata chala there is a huge disparity and discrimination jo british hai unka kuch aur hai jo europeans hai unke kuch aur hai this is unfair इसी को हम आगे लेके चलेंगे और आपको ये भी बताते चलेंगे हमारा आइंदे प्रोग्राम है वी विल बी डिस्कसिंग डोमेस्टिक वायलेंस जो इफेक्ट होता है इन पर्टिकुलर वुमेन्स को ये भी हमारे डिबेट चलेगी डिस्कशन चलेगी उसमें क्या आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप इसमें पोजीशन में होंगे तो आप क्या कर सकते हैं ये भी होएगा और आपको इमिग्रेशन जेनरिक एडवाइस में भी डिस्कशन होगी उसके भी हवाले से एंड पॉलिटिक्स जो है वी विल ट्राई टू ब्रिंग
سم گیسٹ ہمارے پروگرامز میں اسے آئندہ اس میں ڈسکشن ہوگی, اسی ڈبیٹ کو لے کے چلیں گے. آپ سب کا شکریہ واچنگ آور پولیٹیکل لیگل شو. آئندہ کی اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ.